नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर्स का के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट ये भी यहाँ पे देखने वाले, क्योंकि टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स पिछले कई एक डेढ़ महीनों से अलग ही अंदाज में नज़र आ रहा है, क्योंकि देख सकते कि स्टॉक 52 वीक हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फिर से नया 52 वीक हाई बनाया है टाटा मोटर्स ने। तकरीबन यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ने आज क्लोजिंग दिए 600 लेवल के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास अपडेट है क्या? इंडिया जून व्हीकल रिटेल सेल्स अप बट सप्लाई चैलेंजेस हर्ट, तो टाटा मोटर्स टू इश्यू 3 मंथ सीपी बैंकर्स। बाकी कोई खास अपडेट या न्यूज़ नज़र नहीं आ रहे रिगार्डिंग टाटा मोटर्स स्टॉक। तो टाटा मोटर्स में देख सकते कि आज एक अच्छे मोमेंटम, एक अच्छे मीन्स वॉल्यूम भी अच्छे खासे नज़र आ रहे, पर वॉल्यूम कंटिन्यूस जैसे कि यहाँ पे देखने को मिली थी वैसे ही कंटिन्यूस रहती है, तो 600 लेवल के और ऊपर जा सकता है टाटा मोटर्स स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि हमने पहले भी कहा था कि जहाँ पे अपर ऊपर जाता है तो निवेश मत कीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है तो निवेश करने के लिए एक चांस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला था 288 के करीबन, 285 के करीबन, तो रिट्रेसमेंट हो चुकी थी वहाँ पे। देख सकते कि पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था तो वो लेवल एक इंपॉर्टेंट थी, उसी लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वैसे पुल बैक देखने को मिला आज के दिन। 2% ऊपर क्लोजिंग दिए तो 600 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक तो और अच्छी मोमेंटम नज़र आ सकती है, उसके लिए वॉल्यूम पॉजिटिव और कंटिन्यूस चाहिए।